जिंदा है कि नहीं देखो, जिंदा है या मरा है देखना। हाँ ठीक है, उससे सबसे पहले नाड़ी देखना है। नहीं पहले आवाज देना है, पहले आवाज देना है। ठीक है, फिर उसके बाद आवाज के बाद फिर सांस लेंगे, कैसे देखेंगे? लूप लूप करेंगे। ठीक है आगे फील करना है, फील कैसे करेंगे उसको देखना है, नाड़ी और नाड़ी देखना है और सांस देखने के लिए सांस देखना है। हां ऐसा वेरी गुड। हां हाथ से नाड़ी नाड़ी देख गए। ठीक है वो हो गया। बाद में लिसन, लिसन से यहां से धड़कन सुनिए और यहां पे सांस सुनिए। अच्छा अब बंद है, फिर क्या करेंगे? उसके बाद में सबसे पहले उसको मुंह में या नाक में कुछ होगा, ए पहले आप लोग उसको बुलाएंगे। हां बुलाएंगे, वो तो बुलाने के रहेंगे, आवाज देने को किसी और को भेजेंगे। ठीक है चलो, फिर हमने निर्णय लिया क्या शुरू करेंगे? ए बी सी। ए क्या है? एयर लेंगे। कैसे करते हैं बताओ? उसके मुंह में जो भी खाना गुटका हो गया निकाल लिया। नकली दांत ध्यान रखिए। अच्छा नकली दांत में भी छोटे दांत रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बड़े पूरे चौकड़े, कई लोगों के स्पेयर पार्ट रहते छोटे छोटे, वो फीसल के अंदर जाने के लिए बहुत ज्यादा रहती है, बड़ा चौकड़ा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आता। चलो उसके बाद में फूकेंगे। हां करके बताओ। क्या सर? सिम्टम्स
इसकी कैसे पता चले कि इसका ये हो गया ब्रेन ओवर इट पिछली बार बताया क्या होता है ये नहीं एक्सीडेंट में स्कल पहले कंपार्टमेंट में फट गया तो क्या होगा पिछली बार बताया था मैंने खोपड़ी कहाँ रखी हुई उसमें है क्या ये गाड़ी में है अभी दो महीने पहले एक सिचुएशन आई थी मेरे सामने उसमें मैंने उसके मुंह में एयर भी डाल के देखी लेकिन एक सिम्टम ये था उसका उसका पेट जो पेशेंट था उसका पेट इतना टाइट हो गया था चेस्ट भी प्रेस कर रही थी उसको स्ट्रोक आया था मेजर स्ट्रोक स्ट्रोक आया था तो भी आपको पंप तो कर ही सकते आप स्ट्रोक आ गया मतलब ब्रेन में से ऐसी जगह हिमोरेज हो गया जहां से सांस और हार्ट चलता है उस जगह अच्छा छोड़िए अभी ये ध्यान रखिए यहाँ पर खोपड़ी में हमारा जो ब्रेन इस प्लेट पर रखा हुआ है ये प्लेट में दो उभार होते हैं और ये दो उभार के कारण खोपड़ी के अंदर की जगह तीन खानों में विभाजित होती है पहले खाने में यदि नीचे से फ्रैक्चर हो गया खून बह रहा है तो व्यक्ति के नाक से खून बाहर आएगा दूसरे खाने में फ्रैक्चर हो गया तो क्या हो जाएगा व्यक्ति बेहोश हो जाएगा खून कान से बाहर आएगा तीसरे खाने में यदि फ्रैक्चर हो गया है तो ये खून अंदर जाएगा या ब्रेन हिमोरेज होगा तो ये रीढ़ की हड्डी में चला जाता है और यहाँ से पीठ से पानी निकालते हैं डॉक्टर तो उसमें खून ही खून निकल आता है तो डॉक्टर बताते हैं कि दिमाग की नस फट चुकी है लेकिन बाहर से दिमाग की नस फट गई ये कैसे पता चलेगा तो जैसे मैंने बताया हमारे आंखों में बाहर सफेद दिख रहा है सफेद के बीच में काला है काले के बीचों बीच एक और बाहर एक काला दिख रहा है जिसको कहते हैं आंख की पुतली टॉर्च मारने के बाद ये दोनों पुतलियां छोटी होती है टॉर्च हटाने के बाद दोनों पुतलियां बड़ी हो जाती है लेकिन ब्रेन हिमोरेज हो जाए तो आदमी बेहोश हो जाएगा और उसके आंखों में टॉर्च मार के देखेंगे तो क्या दिखेगा एक पुतली बहुत बड़ी हो गई है और एक पुतली एकदम छोटी ये काय का लक्षण है दिमाग में खून की नस बढ़ गई है समझे कि नहीं समझे नहीं अभी मेरा सवाल ये है सीपीआर के ऊपर कि भाई हम जब सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन लेते हैं छोड़ते हैं तो और अब हम इस व्यक्ति को यदि हवा फूकेंगे तो इसको तो कार्बन डाइऑक्साइड दे देंगे हम मार देंगे क्या ये सही है क्या सही है ना हमको बचपन से क्या पढ़ाया गया हम शुद्ध हवा लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं तो ये आदमी तो इस हिसाब से यदि और ज्यादा फूकेंगे तो क्या होगा जो नहीं मरने वाला था वो मर जाएगा क्या ये सही है लॉजिक नहीं क्योंकि होता तो आप पढ़ाते ही क्या है ना उसका कारण बता दो क्योंकि सर हम जब उसको पंप करते ना पंप करने के दौरान जैसे कि ये हमने हवा जो उसको दी उसमें कार्बन डाइऑक्साइड था ठीक है ये उसके अंदर गया आदमी बचना चाहिए कि मरना चाहिए मर जाएगा लेकिन ऐसा नहीं होता वो आदमी तो बचता है उसका कारण क्या है ध्यान दीजिए कि हमारे सांस में से जो हम हवा फूंकते हैं तो नाक से लेकर सांस की नलिका से लेकर श्वसन नलिका उसकी शाखाएं उप शाखाएं ये सारी हवा अछूती रहती है ऑक्सीजन का आदान प्रदान केवल अंतिम छोरों पे एल्वियोलाई जो होते हैं यहीं पे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान होता है बाकी सारी की सारी हवा जैसे अंदर गई वैसे ही बिना बदलाव के वापिस आ जाती है उसको कहते हैं डेड स्पेस इस जगह की हवा का उपयोग इंसान करता नहीं है तो जितनी सांस हम भरते हैं उसमें से केवल 20% हवा में से प्राणवायु निकाल लेते हैं 80% हवा जैसे के वैसे वापस जा रही है और वो हवा उसकी जान बचाने के लिए पर्याप्त है समझे कि नहीं समझे ठीक है और मेरे ख्याल से अब यहाँ पे रुक जाना चाहिए मेरे नेक्स्ट लेक्चर का समय था
मैंने सोचा 10 बजे मुझे पीजी उधर जाना था ओरिएंटेशन कोर्स में, लेकिन मैं चाहता था कि उसके पहले यदि 1 घंटा मुझे मिलता है, आधा 1 घंटा है, तो कुछ आपको हट के अलग नॉलेज दूं जो रूटीन कॉलेज में मिलता है नहीं है, ठीक है। और आज का जो नॉलेज मिला इससे आप किसी ना किसी की जान बचाएंगे। जैसे मैंने बताया था कि वहां पे फुटबॉल ग्राउंड पे किसी को फर्स्ट एड आ नहीं रहा, किसी ने और लोगों को समझ में भी नहीं आ रहा, एक ने सांस देने की कोशिश की, बीच में तो एक लड़का ऐसा बताया वो भीड़ में जो घेर के वो वीडियो फिल्म देखे कि उस व्यक्ति के सीने में पैर रख के देख रहा है अंदर, ठीक है, ऐसे वो आदमी बचेगा कि मरेगा, ठीक है। जो सांस देने वाला था उसने सांस लेने के लिए दिया है लेकिन नाक को बंद नहीं किया, मतलब क्या होगा, सीपीआर को कोई फायदा नहीं होगा, समझे कि नहीं समझे। इसलिए हर एक को सीपीआर आना बहुत जरूरी और सही तरीके से आना जरूरी है, ठीक है। ये हादसे कब किसके साथ होंगे बता नहीं सकते, और इसलिए मैंने सोचा था कि एक थोड़ा अलग हटके आप टॉपिक आज छोड़ो।